सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे द्वारा भेजी जाने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में 20 क्वेश्चन बताऊंगा। प्रीवियस जीके के क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीयू एमटीएस और डिफरेंट टाइप के स्टेट लेवल के एग्जाम से लिए गए क्वेश्चन है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 5000 जीके क्वेश्चन की सीरीज को हम यहां पर कंप्लीट करेंगे, तो बिल्कुल करेंगे। और वो स्टूडेंट जो हमसे एसएससी या किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए जीके की पीडीएफ परचेज कर चुके हैं, तो उनके लिए जो मैंने बताया था कि 5000 जीके क्वेश्चन की प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज उनको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कराई जाएगी, तो जो भी परचेज कर चुके हैं वो मेरे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करके ले लीजिए, वो बन चुकी है, ठीक है, तो आप उसे ले लीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। किस तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है, किस तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है, तो वह होती है रेडियो तरंग। किस तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है, तो रेडियो तरंग। हीलियम के नाभिक में होता है, हीलियम के नाभिक में क्या होता है, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। हीलियम के नाभिक में होता है दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। मकड़ी में टांगे पाई जाती हैं, मकड़ी में कुल 8 टांगे पाई जाती हैं। नेक्स्ट है कि एयरलाइंस गोल्ड कप का संबंध है, एयरलाइंस गोल्ड कप फुटबॉल से संबंधित है, एयरलाइंस गोल्ड कप का संबंध है फुटबॉल से। मेगस्थनीज भारत में किस शासक के दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य। ठीक, सर टॉमस रो किसके शासनकाल में आया था, जहांगीर 1615 ईस्वी में, टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में आए थे 1615 में। बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किया था 1928 में। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, महिलाओं ने, उस आंदोलन के समय ही, बारदोली आंदोलन के समय ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महिलाओं ने प्रदान की थी। फ्यूज के तार की विशेषता क्या होती है, इसका गलनांक कम होता है, गलनांक कम होता है, उच्च प्रतिरोध और इसका गलनांक जो होता है वो कम होता है, फ्यूज के तार की ये विशेषता होती है। पीतल किन धातु से मिलकर बना होता है, पीतल दो धातुओं से मिलकर बनता है, तांबा और जिंक से, पीतल दो धातुओं से मिलकर बनता है, तांबा और जिंक से। नेक्स्ट है कि मौसम विभाग से संबंधित गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, तो उसमें भरी जाती है हीलियम गैस, कौन सी गैस होती है, हीलियम गैस। नेक्स्ट है कि विजयनगर नगर के किस शासक के साथ पुर्तगालियों के साथ संधि हुई थी, विजयनगर के किस शासक के साथ पुर्तगालियों के साथ संधि हुई थी, देवराय द्वितीय। फिर है कि अक्कलडाड़ सामान्यतः किस अवधि में निकलती है, देखिए कैसा क्वेश्चन है, बुक्स में ढूंढोगे नहीं मिलेगा, 34 से 40 साल के बीच में यह अक्कलडाड़ निकलती है। डिएगो गार्सिया द्वीप कहां पर स्थित है, हिंद महासागर के अंदर स्थित है, हिंद महासागर का एक द्वीप है डिएगो गार्सिया। मानव में रक्त प्लाज्मा लगभग कितने प्रतिशत होती है, मानव में रक्त प्लाज्मा लगभग कितने प्रतिशत होती है, 65%, 65%। लाल रुधिर कणों के लिए कौन अनिवार्य है, फॉलिक अम्ल। लाल रुधिर कणों के लिए कौन अनिवार्य है, फॉलिक अम्ल। नेक्स्ट है, ए टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक कौन है, चार्ल्स डिकेंस। ए टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक कौन है, चार्ल्स डिकेंस। नेक्स्ट है, तंत्रिका शोध किसके कारण उत्पन्न होता है, तंत्रिका शोध किसके कारण उत्पन्न होता है, वो है मेनिनजोकोकस। नेक्स्ट है, जिस समय भारत में होम रूल आंदोलन हो रहा था उस समय भारत में कौन सा आंदोलन चल रहा था, बोल्शेविक क्रांति। ठीक है, रावत भाटा परमाणु विद्युत ग्रह किसके सहयोग से बना है, रावत भाटा परमाणु विद्युत ग्रह बना है कनाडा के संयोग से, और रावत भाटा कहां पर है, ये राजस्थान में।
नेक्स्ट है कि बेसबॉल कहाँ का लोकप्रिय खेल है, तो बेसबॉल सबसे ज्यादा खेला जाता है, लोकप्रिय खेल है अमेरिका का। ठीक है गाइस, तो ये हो जाते हैं आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट प्रीवियस क्वेश्चन से लिए गए, और ये हमारी सीरीज का एक हिस्सा हो जाते हैं जो हम 5000 जीके क्वेश्चन की जो सीरीज को चला रहे हैं, प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसी सीरीज का ये एक पार्ट हो जाता है और इसी सीरीज को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है गाइस, तो वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप न्यू हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वीडियो में जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है रेड कलर का, उस पर क्लिक कीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे द्वारा भेजे जाने वाली सभी वीडियोस, न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें, सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।